हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो जो है बीच में ही कैमरे के एरर के कारण रुक गया था। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। मैंने आप लोगों को सर्किट समझा दिया था, सर्किट का वर्किंग समझा दिया था। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा इसके पीछे मतलब इसके आगे क्या होगा, सॉरी पीछे नहीं आगे, इसके आगे क्या होगा, कैसे वर्किंग होगा इसका। तो ये तो पता चल गया था आप लोगों को कि ये इनपुट कैसे आया हमारा। अगर जिसको नहीं समझ आया तो एक बार पीछे का वीडियो जाकर देखो या फिर रिवाइंड करो, उसमें आपको क्लियर रहेगा कि हाँ भाई क्या है, कैसे यही वेव फॉर्म इनपुट का कैसे आया। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इस पूरे सर्किट में कौन कौन सा वेव फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो आपका ये डीसी वाला मतलब इनपुट इम्पॉर्टेंट है, और वर्किंग के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, इस T1 और T2 का गेट पल्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक फॉरवर्ड तो हो जाएगा ये, ठीक, लेकिन इसको वर्क करवाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, गेट पल्स चाहिए होगा, तभी जाके ये ऑन होगा। तो आपको क्या चाहिए, एक तो इसका गेट पल्स चाहिए और एक इसका गेट पल्स चाहिए। तो लेट्स अज्यूम कि जो इसका गेट पल्स है, एक का गेट पल्स मैंने यहीं पे कुछ दे दिया, मतलब जस्ट T=0 पे ही ये आपका गेट पल्स आ गया। ये क्या है, गेट पल्स है, तो इसको लेट्स मैंने माना IG है, ताकि ये प्रोडक्ट ओके दिख रहा है ना सभी को, हाँ दिख रहा होगा, ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है सभी को दिख रहा होगा, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सॉरी, हाँ देखो ये हो गया, ये आपका क्या है, गेट पल्स है। ये गेट पल्स कहाँ जा रहा है, थायरिस्टर पे जा रहा है। अब ध्यान से समझना आप लोग, ये जो IG दिया है, ये पहला जो गेट पल्स है, ओके एक्सक्यूज मी सॉरी जस्ट अ सेकंड, ओके ठीक है। ये जो IG गया, ये आपका क्या गया, ये गेट पल्स जो है ये किसको ऑन करेगा, ये थायरिस्टर T1 को ऑन करेगा। क्लियर है, जस्ट ये अभी आप ध्यान रखो। तो अब इस केस में आपका जो करंट का वेवफॉर्म है, मतलब सॉरी जो आपका आउटपुट वेवफॉर्म है, वो कैसा रहेगा, प्लस माइनस। क्लियर है, अब देखो ध्यान से, तो इसके कारण जो आपका वेवफॉर्म आएगा वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा। अब आप लोग पूछोगे कि सर आपने ये साइनसॉइडल शेप का क्यों बनाया, ठीक, तो मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया हुआ था, ठीक है, गूगल क्लासरूम में, उसको काफी लोगों ने सॉल्व किया था, लेकिन उसका इनवर्स लैपलास नहीं लिया था। जब आप इनवर्स लैपलास लोगे तो देखोगे आप कि वो एज ए साइनसॉइडल वेवफॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये वेवफॉर्म ऐसा रहे आएगा, ठीक, और इसीलिए मैंने वो असाइनमेंट दिया था ताकि मुझे आगे जरूरत पड़ने वाला था, ठीक है, और वो इसीलिए मैंने असाइनमेंट दिया था ताकि समझ आए आप लोगों को कि ये मैंने साइनसॉइडल शेप क्यों दिया है, और क्यों दिया है वो आप अगर जिसने सॉल्व किया होगा आ गया होगा उसका आंसर, दिखा होगा उसको कि फाइनल जो हमारा वेवफॉर्म है वो साइनसॉइडल ही आ रहा है। अगर जिसको नहीं जिसका नहीं आया है तो मैं उसको डील करूंगा एक बार, तो आप लोग देख लेना। तो इस केस में क्या है, ये थायरिस्टर T1 ऑन है, और क्यों वेव फॉर्म ऐसा आया है वो मैं बताऊंगा, जिसको आ गया है वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा ही, ठीक। अब देखो लेट्स अज्यूम, फिर अब मैं आप लोगों को ये भी समझाया हुआ था मैंने क्या कि इसमें और इसके टर्न ऑन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा नहीं मतलब एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम का डिले होता है, ठीक, मतलब ऐसा नहीं करते कि ये ऑन हुआ और जस्ट उसके बाद इसको ऑन कर दिया, देयर विल बी अ टाइम डिफरेंस, ठीक, ओके चलो ध्यान से समझना आप। तो मान लिया कि वो जो टाइम डिफरेंस है कुछ, यहाँ पे मैंने दूसरे थायरिस्टर को ऑन किया, ये मान लिया जाए कि IG1 थायरिस्टर 1 के लिए था, और ये गेट पल्स किसके लिए है, थायरिस्टर 2 के लिए है। अब ध्यान से समझोगे आप, यहाँ पे अगर ये टर्न ऑन हुआ है तो वेवफॉर्म तो इसका भी साइनसॉइडल ही आएगा, क्लियर है, तो साइनसॉइडल आएगा, लेकिन अब बात ये है कि हम ऊपर रखेंगे इसको या नीचे रखेंगे। तो ध्यान से समझना आप, जब T1 आपका ऑन है, ये देखो जब T1 ऑन है तो
सी वाला जो टर्मिनल है वो क्या है, पॉजिटिव है, और डी क्या है, निगेटिव है, राइट। मीन्स कि आपका जो ये टी वन रहेगा वो इस लाइन से ऊपर की तरफ रहेगा। अब आप देखो जब आपका टी टू ऑन रहता है, ध्यान से समझना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, टी टू जब आपका ऑन रहेगा, टी टू अगर ऑन रहा तो सी क्या हो जाएगा वहां पे, निगेटिव हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, निगेटिव, एंड ये क्या हो गया, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। तो इसका जो वेव फॉर्म होगा वो किधर, निगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा निगेटिव, ध्यान से समझना। एक बार तो सी आपका पॉजिटिव हो रहा है और दूसरे टाइम भी क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से जो वेव फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो मैंने तुम लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या, तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। देखो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, अगर बस इस पर्टिकुलर टाइम पे देखोगे तो आपका सर्किट वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक है। जो भी वर्किंग कंडीशन है यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है, इस सिचुएशन में क्या रहेगा, सर्किट ऑफ रहेगा। तो आप, यही इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है, और जिसके कारण इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, मतलब बहुत कम क्या, इसको यूज ही नहीं किया जाता है। क्लियर है? इस डिसकंटिन्यूटी के कारण, यहाँ पे जो पावर डिसकंटिन्यूस हो गया है, इसी डिसकंटिन्यूटी के कारण इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये तो किसका वेव फॉर्म था आपका, लोड करंट का। अब आते हैं लोड वोल्टेज का। ठीक है, तो देखो जस्ट अ सेकेंड।